फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये हमारे पास सर्कल है इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, सब बच्चे ध्यान से सुन लो। देयर इज अ सर्कल, ओके। और हमारे पास क्या है सर? हमारे पास सर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। और सर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्या है सर? पॉइंट ऑफ और सर ये हमारे पास दिया है परपेंडिकुलर, तो हम लाल इतनी बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेंटर O, दैट इज ए बी इज टेंजेंट, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पी क्यू, क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात लिखूं कि गिवन क्या है, तो आप लिख सकते हो गिवन में इन ए सर्कल, मेंशन कर दीजिए सी ओ आर, ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी एंड क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी टू प्रूव QP passes through O. ये हमारा क्वेश्चन है, yes or no? Yes sir. हम क्या कह रहे हैं सर, ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा यहाँ कंट्राडिक्शन लेंगे हम। हम कह रहे हैं सर कि QP O से पास नहीं हो रहा, O हमारा यहां ले लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए अलग जगह। ये सर हमारा O, और हम कह रहे हैं कि QP O से पास नहीं होता। अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये कहीं अलग से जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ यही कह लें, हम ये कह दें प्रूफ में लेट QP, ठीक है, डज नॉट पास थ्रो ओ। अब हम कह रहे हैं जॉइन ओ पी। जरा मुझे बताइए, अगर मैं ओ, हमारे पास क्यू पी क्या दिया हुआ है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? क्यू पी क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब हम क्या कह रहे हैं कि सर आप ओ को भी ज्वाइन कर दीजिए ओ पी से, ज्वाइन ओ पी। अगर आप ओ पी को ज्वाइन करोगे तो ओ पी क्या हो जाएगा भाई? रेडियस। परपेंडिकुलर टू ए बी, यस और नो? यस सर। ओपी इज परपेंडिकुलर, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है क्यूपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन। अब आप कोई मुझे बच्चा बताएगा कि हमारे पास जो है ये क्यू इधर है, QP भी परपेंडिकुलर है और सर OP भी परपेंडिकुलर है, ऐसा पॉसिबल है क्या एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे दो अलग अलग परपेंडिकुलर हों? नहीं सर। हाँ भाई, इज इट पॉसिबल? नहीं सर। भाई हम ये कह रहे हैं ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है तो ये कब पॉसिबल है? अगर ये सेम ही इसमें, अगर ये दोनों लाइन सेम हो जाएं, OP is perpendicular to AB and QP is perpendicular AB, it is only possible if, ठीक है, किसी को एक कह सकते हो आप, if QP coincide with OP, मतलब both lines are same, तो अगर it is only possible if QP coincide with OP, अगर ये QP OP के साथ coincide हो जाता है तो फिर QP किससे पास हो रहा है? हाँ भाई, अगर ये दोनों लाइन सेम हो जाती हैं, O यही आ जाता है तो QP किससे पास हो रहा है? OP सेंटर से। O से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes sir। यही हमें शो करना था, hence QP passes through।
That's it. Actually, जो उसने कहा था, प्लीज दोबारा से सुन लीजिए कि भाई हमारे पास क्या है, अगर ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये पता है कि सेंटर से भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर अलग नहीं हो सकते, क्वेश्चन ये था से। तो सीधी सी बात है, अगर रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर है तो रेडियस होगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। इतना ही लिखना था आप लोगों को। दोबारा से देखिए स्टेटमेंट्स, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है, वो तो खैर मैंने लिखा है, लेट क्यू पी डज नॉट पासेस थ्रू ओ, अगर ओ से पास नहीं हो रहा है तो हम ओ को ज्वाइन कर देंगे पी से, देन ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बट ये हमारे पास एक आ गया कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बट ऑलरेडी गिवन क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ऑन द सेम लाइन ए बी सेम लाइन, अगर एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे पी इज कॉमन पॉइंट, अगर आपके टेंजेंट्स आ रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन सेम हो जाए। तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ क्यू पी कोइंसाइड विद ओ पी, हेंस यू पी पासेस थ्रू सेंटर ओ, और ये हमें प्रूफ करना था, दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन तीन क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो तीनों क्वेश्चन, तीन कह लीजिए या चार कह लीजिए, और इन चार ही क्वेश्चन में से हमेशा एग्जाम में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इन्हीं चार क्वेश्चन में से आता है। 6 मार्क्स का चैप्टर है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और ये 3 मार्क्स के लिए आप सब बच्चे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि दीज आर 4 क्वेश्चन जिनमें से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन नंबर 9, अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं आप सब बच्चे। ये इसका फिगर, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का फिगर ये है, ये मेरे पास, एंड देयर आर 2 एग्जांपल्स। दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो सीधा सा कह रहा हूं कि इसी में से ही क्वेश्चन में से एग्जाम में रहता है। ये मेरे पास एग्जाम्पल 2 है और ये एग्जाम्पल 3 है, और इवन अगर आपके स्कूल में कोई एग्जाम हुआ है जिसमें चैप्टर आया है तो 99% चांसेस थे कि इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आप क्या किसी के बच्चे के एग्जाम में आया अभी तक चैप्टर 10? नो सर। नो सर। नो सर। इन 4 में से आएगा इंशाल्लाह, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है कि थ्योरम्स के अलावा। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, या पहले एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स को ही खत्म करते हैं। चलिए एग्जांपल 2 लेते हैं। अब एक लैंग्वेज तो यहाँ इन्होंने अपनी दी है एनसीईआरटी ने, और एक लैंग्वेज हम सिंपल सी अपनी देने की कोशिश करें। सब बच्चे ध्यान से देखिए Example 2, कोशिश करिए कि आप खुद मेरे साथ करें, इसलिए फिगर ड्रॉ करिए सब बच्चे, और जो गिवन है उसमें और जो प्रूफ करना है उसमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। तो ये जो इन्होंने लैंग्वेज दी है हम उसके अलावा अपनी लैंग्वेज खुद क्रिएट करेंगे, सिंपल से सिंपल, लेकिन एक बार स्टार्ट करो जरा, सब बच्चे कोशिश करो जरा।
हाँ भाई सब बच्चे जरा ध्यान से आ जाइए। पहले हम अपने हिसाब से देखते हैं, पहले तो ये देख लीजिए है क्या हमारे पास। आप सब बच्चों को नजर आ रहा होगा टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, प्रूव दैट एंगल PTQ, दैट इज अवर एंगल PTQ, दिस वन इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, दिस एंगल। तो PTQ इज ट्वाइस ऑफ दिस OPQ, ये हमसे कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। अब जरा अब जरा आप सब बच्चे प्लीज पहले फिगर पे ही कंसंट्रेट करो। हमारे पास क्या है सब बच्चे, बहुत सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में करेंगे बेटे हम इस एनसीईआरटी। यस सर, आगे समझ। हमारे पास क्या है सब बच्चे बताओ, ओपी रेडियस है क्या? यस सर। और टीपी टेंजेंट है क्या? यस सर। ओपी टी 90 हो जाएगा। रेडियस इज 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। यस सर। सर नो। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? 90। अब सब बच्चे प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, हम यही करेंगे। ये जो छोटा वाला एंगल है जिसको ये OPQ कह रहा है, ये वाला OPQ बेटे, ये वाला अगर इसको मैं बेटे थीटा कहूं, थीटा, और ये हमारा बड़ा वाला एंगल 90 आया है, कितना आया है? 90। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा अंदर वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। वंडरफुल। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ, सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। अभी आपने सिर्फ एक ही थ्योरम यूज करी है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ बच्चे सब सुन लीजिए, ये जो टीपी है और ये टीक्यू है, इन दोनों में क्या रिश्तेदारी है? दूसरी जो थ्योरम है हमारे पास, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये tangents equal हैं, तो क्या आपको पता है कि ये angle और ये angle क्या होगा? Equal होगा. Equal. तो इस angle के बारे में भी आप क्या कहोगे? 90 minus 90 minus theta. ठीक है. अब जरा इस पूरे triangle के बारे में मुझे बताओ. ये जो 90 minus theta plus 90 minus theta plus sum कितना होगा भाई? 180. तो क्या आप ये कह सकते हो angle T, ध्यान से सुन लीजिए, plus 90 minus theta प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180, यस और नो? यस सर। यस सर। तो 90 प्लस 90 इज 180, यस और नो? यस सर। यस सर। प्लस थीटा और माइनस थीटा? यस सर। माइनस 2 थीटा, और माइनस 2 थीटा को इधर ले जाओ, तो एंगल टी इज इक्वल टू 2 थीटा। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं? आ गया सर। यस सर। एंगल टी किसको कह रहे हो आप? PTQ। और थीटा किसको कह रहे हो आप? OPQ। OPQ। क्या प्रूव करना था? आ गया। हाँ भाई बताओ। एंगल PTQ equals to twice OPQ। सबको समझ में आ गई कहानी? नहीं आई? Yes sir। नोमान। Yes sir। नोमान समझ में आ गई बात? जी। दामिया। आ गई सर, आ गई। मर्जिया। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बाजी ने क्या किया पता है? जी वादिया ने क्या किया है? यस सर। क्या किया है? यस सर। क्या किया है? टॉप मार्क्स आया है? नहीं पता सर। पता है क्या? पता जल्दी बता सर। 12 टॉप किया है और आईआईटी में भी अच्छी रैंक आई। आईआईटी में अच्छी रैंक आई है, जामिया में एडमिशन लिया है माशाल्लाह। मर्जिया की बड़ी सिस्टर है वादिया, ठीक है, शी वाज 12th अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी पॉइंट इन जामिया, और उन्होंने माशाल्लाह जामिया टॉप किया, 95% मार्क्स। इकोनॉमिक्स 100, मैथ्स 91, फिजिक्स 96, केमिस्ट्री 96, ठीक है, और अब माशाल्लाह से उन्होंने जामिया में भी एडमिशन लिया है आईआईटी रैंक के बदौलत। मर्जिया को ये डर है कि मैं वो स्कोर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना? सर बहुत प्रेशर है सर। अजय सर कर लूंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा। आपके ग्रुप्स में कल वो शेयर हुआ होगा, हुआ था कल? यस सर। यस सर। माशाल्लाह मर्जिया की सिस्टर है तो अच्छा है। ये लैंडमार्क्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना,
कि ये एक टैग मार्क हो गया इससे नीचे रहना, नहीं, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए होता है कि हमें इससे ऊपर जाना है, ठीक है। जो हमारे बड़े, जो हमारे से आगे जाने वाले बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमें उनसे लंबी छलांग लगानी। चलो शाबाश, देखो हमारे पास क्या, अब हम इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सब बच्चे ध्यान से करो अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल योर ओन, ठीक है। कहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, सीधा सीधा से बिल्कुल लिखते चले जाओ। हम क्या कह रहे हैं, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, OP is perpendicular to TP, yes or no? Yes sir. Radius is perpendicular to tangent. अगर आपने कहा OP perpendicular है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो angle TPO is equals to 90, yes or no? Yes sir. नजर रखते जाइए जो जो मैं लिख रहा हूँ, TPO, TPO कहाँ पे है, ध्यान से देखते जाइए, है ना। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि आप फिर फोकस कर सकें, जिन बच्चों ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। सब बच्चे ध्यान से प्लीज, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि OP हमने ये कहा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP, यस और नो सब बच्चे? यस। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, सो दिस एंगल, इसका नाम क्या है बेटे, TPO इज 90। अब हम किसको कह रहे हैं, OPO को हम सपोज कर लेते हैं, OPQ इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये बेटे हमने थीटा ले लिया। अगर ये हमने थीटा लिया तो इनसाइड बच्चे कितना बचा, 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल TPQ विल बी 90 माइनस थीटा, यस और नो? यस, ठीक है, यस सर। अब आप क्या कहोगे, अभी आपने सिर्फ पहली थ्योरम यूज करी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नाउ आप क्या कह सकते हो, एंड TP इज इक्वल्स टू TQ, मेंशन करते जाइए जहां पे भी आप कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू द सर्कल आर इक्वल। तो अगर आपके पास ये टेंजेंट्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल TPQ, इन ट्राइंगल TPQ एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर आपके पास टेंजेंट्स इक्वल हैं तो फिर उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर आपने कहा है कि TP इज इक्वल टू TQ, तो आप कह सकते हो सो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जितना अच्छा आप मेंशन कर सकते। तो हमने क्या कहा है, हमारे पास पहले ही TPQ कितना आ चुका है, 90 माइनस थीटा, तो TPQ का 90 माइनस थीटा है, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा दैट्स इट तो ये हमारे पास बेटे दोनों एंगल्स 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो गए दोनों एंगल ठीक है लेकिन ये दोनों एंगल कौन से ट्राइंगल में है ओ टी टी पी क्यू में तो अब हम क्या कहेंगे हम कहेंगे इन ट्राइंगल टी पी क्यू एंगल टी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो रख दीजिए एंगल टी को एंगल टी को ही रहने दीजिए, टी पी क्यू को लिखिए 90 माइनस थीटा, टी क्यू पी को भी लिखिए 90 माइनस थीटा, और सम हो गया 180। लेकिन 90 प्लस 90 इज 180 एंड माइनस थीटा इज 2 थीटा, 2 थीटा इधर चला जाएगा। तो टी हम किसको कह रहे थे, टी हम कह रहे थे पी टी क्यू को, और थीटा हम किसको कह रहे थे, ओ पी क्यू को, दैट इज हमारा जो प्रूफ था। सब बच्चे बताइए, बहुत मुश्किल था? नो सर। भाई नो सर। क्लियर है सब बच्चों को, यस और नो? यस सर। गुड, यस सर। चलो जी देखो, नोट करना है, फोटो लेना है तो ले लो, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। डन? यस सर। यस सर।
चलो जी देखो, वन मोर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन है और ये इसका फिगर है। इवन आप लोग सब प्लीज ट्राई किया करो कि फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन यू कैन ड्रॉ फिगर्स। जरूरत ना पड़े कि हम फिगर ही देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हम इंफॉर्मेशन से या जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन से भी फिगर ड्रॉ कर सकते। ये हमारे पास है पी क्यू इज ए कोड, ठीक है। अब जैसे जैसे दिया हुआ है मैं उसको वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि क्या फिगर थी हमारे पास। PQ is a chord of length 8 cm. Please ध्यान से देखो, there is a circle. क्योंकि जब हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं तो हमें 50 चीजें क्लियर होती हैं। और जैसे जैसे मिलता जाता है उससे भी समझते भी जाते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। There is a circle and there is a PQ is a chord. ये बेटे कोड है PQ और इसकी लेंथ गिवन है 8 cm. ओके, ऑफ रेडियस 5 और इसका जो रेडियस है वो 5 cm. बाद में देखेंगे क्या है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी। तो अब हमारे पास क्या है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पी क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये हमारे पास बच्चे टेंजेंट है। एक टेंजेंट हम ये ले लेते हैं और एक टेंजेंट हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों हमें टी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये हमारे पास सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि टीपी लेंथ आपको फाइंड करनी, ये लेंथ चाहिए, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ओके, अब जरा प्लीज ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे फिगर तो हमें गिवन है लेकिन मैं तो खुद ड्रॉ करना चाहूंगा। ये हमारे पास सेंटर है ओ। आप सब बच्चे ध्यान से देखते चले जाना, अगर मैं इस टी को ओ से ज्वाइन करता हूं, टी को ओ से, कुछ याद आया जब हमने एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया था तो क्या हुआ था? मैंने जब थ्योरम प्रूव करी थी कि टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कुछ याद आ रहा है? टेंजेंट्स आर इक्वल। लाइन ज्वाइन करी थी तो ये लाइन कैसी होती है, कुछ याद आ रहा है? इट इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द टेंजेंट, एंगल bisector between the tangent, yes or no? Yes, is also angle bisector between the radius, but abhi ye wali radius, but abhi mujhe radius nahi chahiye to isliye main use nahi kar raha. To ye jo line jab aap join karte draw karte ho to ye tangents ke beech wala angle bhi bisect karega aur radius ke beech wala bhi. To radius wala to abhi hame chahiye nahi bete. Ab aap khud socho, zara dhyan se sun lo. To TO is angle bisector of P. लेकिन TPQ कौन सा ट्राइंगल है? TPQ बेटे आइसोसेलेस। वेरी गुड, नाइस, यस, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटे। ये प्रॉपर्टी यूज होनी है क्योंकि इसके बाद ही क्वेश्चन शुरू होगा, तो इसलिए सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो TO है इट इज एंगल बाइसेक्टर, इट इज एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से सुन लीजिए, एंगल बाइसेक्टर इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, और यहां पे बेस है बेटे PQ, तो TQ विल बी परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ PQ। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं? यस सर। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं TO is angle bisector of angle T in an isosceles triangle TPQ. So it is perpendicular bisector of the base PQ. सब बच्चे बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. क्वेश्चन शुरू होगा सर। हाँ भाई, TO is angle bisector of angle T, या angle T की जगह PTQ भी लिख सकते हो, क्योंकि angle T से वो समझ में नहीं आएगा किस angle की बात कर रहे हैं, और ये चीज अपनी ज्योमेट्री में ध्यान रखा करो। अरे क्या, angle T ना कह के हम इसको कहेंगे angle
PTQ. In an isosceles triangle PPQ, so it is angle bisector the base of PQ. जैसे ये bisector हुआ, PQ कितना था हमारे पास? ये suppose कर लो R हो गया. तो PQ था हमारे पास 8. हमारे पास PR कितना हो जाएगा? 4. तो please ध्यान से देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ PR. So PR is equals to half of 8. Half of 8 का मतलब? 4. 4 centimeter. और अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूं बेटे, किसको ज्वाइन कर दूं? OP को, तो OP 5 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 5. तो क्या कोई बच्चा OR निकाल सकता है? 3. So in right triangle OPR 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर. तो सिंपली बेटे OR का स्क्वायर आ जाएगा 9 और OR आ जाएगा 3. OR कितना आ जाएगा? हाँ भाई सब बच्चे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? OR हमारा 3 आ जाएगा ये वाला. हाँ ना तो बोलो. यस सर. यस सर. दो दो की आवाज आई अल्लाह का शुक्र. बाकी बटालियन? यस सर. अरे यस सर तो बताओगे कभी तो दोबारा समझाऊंगा. दोबारा बताऊं? नो सर आगे समझ. हाँ भाई तीन चार बच्चे हुए अभी तक. सिफत कहाँ है आप? सर एक बार और समझा दीजिए. अल्लाह तेरा शुक्र है. यस नाम लेने के बाद जी हमने आपसे क्या कहा है? हमने आपसे ये कहा है बेटे सिर्फ फोकस करो कि हमारे पास TPQ एक ट्राइंगल है. क्या ट्राइंगल है? TPQ ये है हमारे पास ट्राइंगल. ध्यान से देखते जाओ. जब तक उस पर फोकस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी. देखो सब बच्चे जरा ध्यान से TPQ. तो क्या मुझे बताओगे TPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है या सर नो? यस सर. सब प्लीज जिनको समझ में नहीं आया फोकस करो इस बात पे. मैं अब सिर्फ TPQ की बात कर रहा हूँ. TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस क्यों है कौन बताएगा रीजन? सर TP इज इक्वल टू बराबर TQ. टेंजेंट्स इक्वल होते हैं बेटे. TP और TQ टेंजेंट्स हैं. ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं बच्चे? हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने T से O को ज्वाइन किया है. T से किसको ज्वाइन किया है? O. O को. तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा. क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर. बाइसेक्टर. अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर है. तो अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में प्लीज ध्यान से सुन लीजिए ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर आप बेटे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे एंगल बाइसेक्टर बच्चे ऐसे तो ये जो बेस है ये बेस इस बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट भी करेगा और 90 भी होगा. ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर. In an isosceles triangle, angle bisector is perpendicular bisector of the base. तो TO क्या हो गया बच्चे? TO PQ पे perpendicular हो गया. क्या हो गया? Perpendicular. है ना? और 8 को bisect भी करेगा. तो 8 का half कितना हो जाएगा बेटे? 4. अब ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? Yes sir. अच्छा अब बताओ PR कितना आ गया हमारा? 4. और OP कितना आ गया हमारा? 5. तो क्या बच्चे हम OR निकाल सकते हैं? 3. पाइथागोरस. यस सर. यस सर. कितना आ जाएगा बेटे? 3. अब बताओ सब बच्चों को समझ में आया? यस सर. आ जाओ अब जो हमने किया बस वहां तक आ जाओ. सब बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर. यस सर. यस सर. अब सब बच्चे प्लीज यहाँ आ जाओ. देखो ये बेटे सब बच्चे प्लीज ध्यान से ये बेटे मेरे पास है TO. ये हमारा T एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट है सेंटर. ठीक है और मैं ये कह रहा हूं बेटे चीजों को फोकस किया करो. ये हमारे पास है बेटे P पॉइंट टेंजेंट PP. इसकी लेंथ हमें निकालनी है और ये हमने ड्रॉ किया है PR और PR है हमारे पास 4 और ये हमने ज्वाइन किया है OP और रेडियस हमारे पास है 5 और ये हमने निकाला है OR. OR निकाला है 3. सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर. यस सर.
ठीक है। अब जरा सब बच्चे मुझे बताओ, सारे के सारे बच्चे, क्या हमारा ओपी टीपी पे परपेंडिकुलर है? यस सर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब जरा चैप्टर 6 में पहुंचोगे थोड़ा बहुत याद हो कि अगर राइट ट्राइंगल में, बेटे ध्यान से सुन लेना सारे सारे बच्चे, राइट ट्राइंगल में, नोमान आप भी ध्यान से बेटे, राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, याद आया कुछ? यस सर। यस सर। हैं, वो आपस में सिमिलर होते हैं और बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं। द ट्राइंगल्स फॉर्म, ठीक है, बोथ साइड, आइदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। तो आप ये कह सकते हो ये चैप्टर 6 की प्रॉपर्टी थी, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, या फिर ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू हमारे पास जो बड़ा वाला ट्राइंगल है TPO, या ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू TPO। यस और नो सब बच्चे बताओ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ जरूरत yes, नहीं है, इट इज नॉट चैप्टर 6 के हमें रीजन देना पड़े, यहाँ तो सिर्फ लिख देना है और लिख के काम चल जाएगा। सब बच्चों को थोड़ा बहुत तो याद आया होगा, मैं क्या लिख रहा हूँ? यस यस सर। नाम नाम लिखना है, मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ओ आर पी, ठीक है, चाहे छोटा वाला ट्राइंगल ले लो चाहे बड़ा ट्राइंगल ले लो, मुझे तो टीपी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल ओ आर पी सिमिलर टू, दोनों में आर कॉमन है, अगर चलो छोटे वाले को बड़े वाले के ही ले लेते हैं, छोटे वाले को और बड़े वाले को, आर जो हमारे पास है वो तो आर के इक्वल है। मुझे कोई बच्चा बताएगा छोटे वाले ट्राइंगल, इधर ओ है तो ये ओ इस वाले ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा? छोटे वाले में एंगल ओ सर, टी। अगर एंगल ओ टी के इक्वल हो गया बेटे, तो फिर इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्या ये आइसोसेलेस है सिफर? यस यस सर। यस सर, अल्लाह। नो सर, नो सर, सॉरी। राइट ट्राइंगल है बेटे, हमें क्या बताइए आइसोसेलेस है या नहीं, तो जो चीज हमें नहीं पता उसके लिए नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना एंगल ओ बेटे इधर वाला, ठीक है, सामने वाले एंगल के कभी भी इक्वल मत करना, अगर करना है तो एंगल ओ को यहाँ पी के इक्वल करना, किसके करना? टी, टी पी आर, है ना, एंगल ओ को पी के। और अगर आपको एंगल पी करना है, ये टी वाला करना है, तो फिर ये इसके इक्वल करना। आया कुछ समझ में? याद आया? यस सर। तो ओ आर पी इक्वल होगा बच्चे ट्राइंगल पी आर टी, पी आर टी। और अब सारे बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये फिर सिमिलर ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो दोबारा सुन लीजिए, सारे बच्चे सुन लीजिए ध्यान से। हमारे पास क्या है? बस हमारे पास 3-4-5 साइड्स हैं। आपको ये पता है कि ये मेरा 90 है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप सपोज कर लो कि ये मेरा 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30। और ये वाला आर हमारा 90 है, ये कितना है? 90। इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल बताओ कितना बचा? 60। वंडरफुल, ये 60 बचा। सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। अब जरा बच्चे बड़े वाले ट्राइंगल में सोच के देखो, बड़े वाले में, बड़े वाले में आप क्या सोचोगे? सब बच्चे जरा थोड़ा सा बड़े वाले में सोचोगे तो अपने आप बात बन जाएगी कि भाई ये वाला एंगल मेरा 90 है बड़े वाले ट्राइंगल में। थोड़ा सा फोकस बड़े वाले पे करो, ये एंगल कितना है? 90। और बड़े वाले के लिए ये कितना है बेटे? बड़े वाले के लिए 30। ये तो 30 रहेगा ना बेटे, चेंज नहीं कर सकते ना। यस सर। तो बड़े वाले में ये कितना बचा बच्चे? 60। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बेटे इसी चीज को मैं मना कर रहा था कि ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल नहीं हो सकता। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप जरा लेफ्ट वाले में सोचो, छोटे वाले में बेटे, छोटे वाले के लेफ्ट में ये एंगल कितना है बेटे? 90। और ये वाला एंगल कितना किया हमने? 60। तो ये वाला कितना बचा छोटा वाला? 30। सबको समझ में आया? यस सर। नाम कैसे लिखोगे? ओ आर पी बेटे, ओ आर पी। बताओ छोटे वाले का ओ हमने 30 लिया है, तो इधर वाले में 30 कौन है? इधर वाले में 30 कौन है? पी। पी आ रहा है ना बेटे? यस सर।
अच्छा आर हमारा 90 है इधर, तो इधर भी आर 90 है, और इधर बचा पी, तो इधर पी कितना आया था 60, ठीक है छोटे वाले 60, तो ये 60 किसके इक्वल हुआ 30 के। आप समझ में आया कुछ? यस सर। सिर्फ नाम लिखना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमें कोई रीजन नहीं देना, कुछ नहीं देना ज्योमेट्री का, सिर्फ नाम लिखना है, और जैसे ही नाम लिखा आंसर आ गया। सब बच्चे बताओ थोड़ा बहुत नाम लिखना आया है नहीं आया? यस सर। दैट्स इट, बस देखो नाम लिख के आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। सारे बच्चे देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, जरा नाम बताओ मुझे कैसे लिखोगे, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कैसे लिखते हो, याद भी है या नहीं या भूल गए सब? क्या लिखते हो? ओ आर अपॉन पी आर, पी आर। आगे बताओ क्या लिखोगे? आर पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर इज इक्वल टू ओ पी अपॉन पी टी। बताइए जी, हो गया जी जी, ठीक है ठीक है जी। अच्छा तो ये कि उन्हें अभी ज्वाइन करा दीजिए, वो इतने ऑनलाइन करते हैं, जब यहाँ आ जाए तो यहाँ ज्वाइन कर लें, अपना टाइम टू वेस्ट करें, मालूम कर लीजिए जी, ज्यादा आसान है जी जी। मैं अभी दे रहा हूँ, जी गाजियाबाद में, और अच्छा मुक्तदिर भाई का आया तो था फोन, शायद उसने आपके बारे में कह रहे मुकी भाई। अच्छा 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 जी जी जी, माशाल्लाह जी 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 जी। आप अगर मुमकिन हो तो ऑफिस आ जाइए, फिर इंशाल्लाह बैठ के चाय पिए या फिर आपसे बात करें जी। अरे सर कोई अपॉइंटमेंट नहीं, हम तो दुकान पे ही रहते हैं 24 घंटे, आप आ जाइए, मैं D6 अबुल फजल में हूँ इस टाइम पर, शाम ही हो रही है 6:15, 7:30 तक तो मैं यहीं जी नियर मुगल होटल। मैं अभी अबुल फजल में हूँ, जो नया वाला हमने अकेडमी स्टार्ट किया है, नियर मुगल होटल जमुना के किनारे पे, D6 ठोकर नंबर 3 नियर मुगल होटल जी जी, जमुना की तरफ जब मुड़ते हैं रेते के टीले की तरफ से, आना तो बहुत पीछे रह गया, जमुना पे आ जाइए 9 नंबर इधर जाओ जी जी, मैन रोड पे तस्वीर जी जी, सामने ही है बिल्कुल D6 सर, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने है, मेन रोड पे उतर के कॉल करें, ठोकर नंबर 3 पे कॉल करें जी, तशरीफ लाइए सलाम जी। बेटे भाई आ गया नहीं आया? यस सर। देखो हमारे हमने आपसे कहा सिर्फ रेशो रख दीजिए, तो रेशो रख दिए, तो अगर आप सिर्फ इनको फोकस कर लें जो मुझे चाहिए 3/4 तो दिया हुआ है, और टीपी मेरा यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या आ गया 3/4 इज इक्वल टू 5 अपॉन टीपी, तो टीपी इज इक्वल टू 5/4 जा 20 अपॉन 3। बताओ सब बच्चों को आ गया नहीं आ गया? यस सर। अगर अगर सपोज करो बेटे हमें आरटीपी चाहिए होता, क्या चाहिए होता? आरटी, तो इससे हम आरटी निकाल सकते थे, 4/4 = 6/3। सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ये हमारे पास है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, क्या नहीं आया होगा?
समझ में नहीं। अरे शर्माया मत, तुम शर्माते बहुत हो सारे के सारे। मेरे जैसे भी तो होते हैं ना बहुत सारे जिन्हें समझ में नहीं आता, तो उनके लिए भी है कुछ और जुगाड़। देखो दोबारा से देखो सब बच्चे, सब बच्चे देखो जरा ध्यान से। ये दूसरा मेथड है बट ये थोड़ा सा लेंथी है। सब ध्यान से देखो हमने क्या किया है, कौन कौन बचा दे तो चले गए होंगे छोड़ के माशाल्लाह से। हाँ दो तो जा गए। अच्छा कौन कौन जाग रहा है जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। सब देखो जरा ध्यान से। देखो अब इसे को इजी करते हैं, मतलब वो लेंथी तो है बट है इजी। सब बच्चे बताओ ये वाली साइड कितनी आई है हमारे पास? फोर। ये वाली साइड कितनी आई है? थ्री। अब जरा सब बच्चे मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर है? यस सर। यस सर। ये मुझे निकालना है एक्स। क्या निकालना है? एक्स। और इसका मुझे पता नहीं है, इसको मैंने कह दिया वाई। क्या कह दिया? वाई। सब बच्चे ध्यान से सुन लो, इन ट्राइंगल TPO, TPO पे नजर जा रही है सबकी? यस सर। TPO, सबके सब TPO को देखो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y plus 3 का स्क्वायर is equals to x स्क्वायर plus 5 स्क्वायर? यस सर नो? यस सर। अरे बच्चे दो ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी तो सबने को बोलते रहो, खुद ही हमने हम तो सुन ही रहे हैं। हाँ भाई सब बच्चे देखो ये इजी मेथड है, लेंथी है बट इजी। ये है बेटे हाइपोटेनस, y plus 3 कितना? अब सारे बच्चे देखो एकदम से खुश हो जाओगे। इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल TPR को, किसको देखो? TPR। क्या क्या ये भी परपेंडिकुलर है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल TPR? क्या मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? यस सर। तो बच्चे बताओ। यस सर। यस सर। क्या हम x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दें? यस सर। यस सर। है ना भाई 14 1। चलो 1 को ओपन करो, y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 y। और x स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? y स्क्वायर प्लस 16। और प्लस का क्या है? 25। सब बच्चे बताओ को समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी भी दो ही बोल रहे हैं, कितने मेथड बता दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस सर आ गया समझ। सर आ गया सर। आ गया। चलो उड़ाओ किस किस को कट कर सकते हो, y स्क्वायर से y स्क्वायर। ठीक है तो बताओ कितना आया 6y = कितना आया? 6y is equals to 16 plus 25 कितना होता है? 41 minus 9 कितना होता है? 34 32। तो y is equals to 32 by 6 कितना? 16 by 3। लेकिन हमें तो tangent निकालना है, तो y को यहाँ रख दो। कहाँ रख दो? y square plus 4 में। बताओ क्या आएगा? x square is equals to, put in 2. तो क्या आएगा बेटे? x square is equals to y square. y square कितना हो गया? 16 by 9. y square कितना हो गया? 16. 16 plus 16. 144 by 9. 256, 144. 400 by 9. 400 under root. 20. बताओ यही आया था ना टेंजेंट? यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा मेथड तो इजी है, मतलब सीधा सीधा समझ में आता है, बट कैलकुलेशंस हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। सर समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। अल्लाह तेरा शुक्र। बटालियन आगे खामोश है आगे। संगे मित्रा जी। Yes, दशहरा की मुबारकबाद। सर वो तो निकल गया। अरे तो इससे क्या मतलब है, डब्बा थोड़ा ही पहुंचा हमारे पास। सर दिवाली पे मिलते मिठाई, हम तो हर वक्त मांगते रहते हैं, हमारा क्या है, हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं, जो चाहे जब दे दो। सर कल था दशहरा। और क्या दिवाली पे खिलाएंगे। अब जैसा हमने मर्जिया को कहा इतनी बड़ी मुबारकबाद, मर्जिया ने मिठाई नहीं खिलाई अब तक। सर दशहरा की पार्टी। दशहरा पार्टी है संग मित्रा देगी। हाँ ठीक है अच्छी बात है।
अब अगर शफी कुछ खिलाने लगे हैं, सलमान कुछ खिलाने लगे हैं, हम क्या मना करें? खिला दो, लामिया खिलाने लगे हैं, नहीं लामिया खिलाते, बताओ क्या? चलो जी, ऑल द बेस्ट, ठीक है, कोशिश करेंगे। यस सर। चलो हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए आपके एक्सरसाइज में, उसको प्रैक्टिस करना है। अस्सलामुअलैकुम सर। आइए डॉक्टर साहब, कैसे मिल जाए?